a game of perception and not policy, everyone loses. सकारात्मक राजनीति के लिए हमें पॉलिसी पर चर्चा करनी होगी, लोगों के बीच सौहार्द बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। आम आदमी पार्टी ने देश के सामने एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस रखा। इस मॉडल के तहत लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त हेल्थ केयर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुफ्त बस ट्रैवल, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और ऐसी अनेकों स्कीम्स दी और एक मुनाफे का बजट दिया। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम तो इतना प्रसिद्ध है कि ना ही देश के बीच से बल्कि विदेश से भी लोग अपना इलाज कराने और पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं। भाजपा अपने किसी भी राज्य में इस मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर पाई। हर जगह उनका बजट भी घाटे में रहता है। देश भर के लोग डिमांड करने लगे कि अरविंद केजरीवाल जी उनके स्टेट में भी आए, कि उनके स्टेट में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो और ऐसी सुविधाएं मिले। ये लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कि वो अपने बहुत अच्छे खासे व्यापार और प्रोफेशन छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी की विजन को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। भाजपा की तरह थोड़ी है कि गुंडे मवाली हो और राजनीतिक संरक्षण के लिए पॉलिटिक्स में आए हो या पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आए हो। बस भाजपा को दिक्कत हो गई आम आदमी पार्टी से, उन्होंने अपना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हमारे पीछे छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी को किस तरह कम किया जाए, किस तरह उनके मॉडल को अटैक किया जाए, किस तरह डिस्क्रेडिट और डिफेम किया जाए, ये हम सबने देखा। 2 साल हो गए एक तथाकथित शराब घोटाले में भी एक चवन्नी तक नहीं मिली, और रिसेंटली हमें पता चला कि इनका एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का केस इतना वीक है कि अब ये एविडेंस के साथ भी टैंपरिंग करने लगे। तो हमने 5 फरवरी को हमारी मंत्री आदिशी जी ने अनाउंसमेंट किया कि वो 6 फरवरी की सुबह एक प्रेस वार्ता करेंगी जिसमें ईडी का एक एक्सपोजे करेंगी। डरी हुई ईडी 6 फरवरी को सुबह विभव कुमार जी, जो पीएस है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के और हमारे राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर भी हैं एनडी गुप्ता जी, उनके घर पहुंच गई। एक घर में 16 घंटे और एक घर में 18 घंटे रेड चली। ना ये बताया गया कि किस जुर्म के तहत, कौन से केस के तहत, कौन सी एफआईआर के तहत ये रेड हो रही है, ना कोई पूछताछ की गई, ना कुछ खंगाला गया। हाँ, 2 ईमेल के डम्स लिए गए और साथ में 3 मोबाइल ले गए। ये क्या चल रहा है देश में, ये गुंडागर्दी है? आप बताएंगे भी नहीं कौन सा केस चल रहा है, कौन से किस केस के तहत ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्या ईडी अब बिना वजह किसी के भी घर में घुसकर ऐसे रेड करेगी? ये सिर्फ परसेप्शन मैनेज करने को किया गया ताकि कल सारा दिन मीडिया में चलता रहे कि 16 घंटे रेड चली, 18 घंटे रेड चली। आज तो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा कि कुछ नहीं मिला, फिर से चवन्नी नहीं मिली। सारा परसेप्शन का गेम चला रही है भाजपा। एंड लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, व्हेन पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन एंड नॉट पॉलिसी, एवरीवन लूजेस। देश संविधान से चलेगा, भाजपा की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ये देश भारत किसी की बपौती नहीं है। भारत में 140 करोड़ भारतीय अब भाजपा की गुंडागर्दी से उठ चुके हैं और जनता उनको जवाब देगी।